अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आपने मेरी सुबह देख ली कि मैंने कैसे स्टार्ट की। बस सफाई वगैरह करके फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मुझे एक्नी का कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कभी भी एक्नी नहीं हुई है, ऐसा टीनेजर और मेरी जितनी भी मेरी लाइफ रही कभी मुझे कोई एक्नी का प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन अब ये कोई इट्स बीन अ मंथ के मुझे जो है ना एक्नी मतलब स्लाइटली स्टार्ट हुई है, इट्स मॉडरेट नॉट सीवियर। तो मैंने कहा क्यों ना इससे पहले कि वो स्प्रेड हो या ज़्यादा हो तो मैं जाके जो डॉक्टर को दिखाऊं। फिर मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई। खैर उन्होंने मुझे कहा कि किसी भी एज में ये हो सकती है, इट कैन बी एन एडल्ट एज एज वेल। तो फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी खाने को लगाने को, और फिर उन्होंने मुझे 3 वीक्स का जो है टाइम दिया था कि आफ्टर 3 वीक्स यू हैव टू विज़िट अगेन तो चेक करने के लिए कि कितना जो है प्रोग्रेस हुई है। तो खैर फिर अब मैं जो आपको अपने जो है दिखाती रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी कि मुझे कितना फ़र्क पड़ा है और कितना नहीं ना। तो ये जो है मैं फिर उसके बाद ग्रोसरी लेने आ गई। आज बहुत दिल कर रहा था कि जो है ना चपली कबाब बनाने को और साथ में दाल चावल, क्योंकि हमारे क्या होता है कि दाल चावल जो है ना खाली नहीं खाए जाते, लाजम उसके साथ कोई ना कोई कबाब कुछ ना कुछ ना होना चाहिए। तो मैंने आलू के कबाब हो जाए, लेकिन मैंने आज सोचा क्यों ना चपली कबाब बनाएँ, तो थोड़ा प्रोटीन भी है उसमें। तो ये वो तो बस ये मैं ग्रोसरी लेने आई। मैं ये वीडियो मुझे एक्चुअली ना मुझे देख के इतना अच्छे रंग कलरफुल लग रही थी ये सब कुछ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसके ना छोटे क्लिप्स बना लूँ। तो खैर फिर मैंने जो है उसके बाद अपनी हल्की सी ग्रोसरी की, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये जो है ना मेरा फेवरेट कॉर्नर है, लेकिन ये था कि आज तो मैं खा ही नहीं सकती थी, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। उन्होंने मुझे कहा है कि अभी आपने कार्ब, स्वीट्स, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब से आपने जो है ना थोड़ा सा 3 वीक्स जो है ना अवॉइड करना है। तो खैर ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल आप 0% कर दें, लेकिन आप थोड़ा बहुत। लेकिन आज मैंने कहा नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ वीडियो लूँगी। और तो बस फिर मैं घर आ गई थी और आती जो है ना मैंने फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये मैं चपली कबाब का मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। तो मैं शान का चपली कबाब मसाला यूज़ करूँगी, क्योंकि इसके स्पाइसेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं और ऐसा लगता है कि आप बाहर का जो है ना बाहर से खा रहे हैं जैसे। तो जो घर के आपके स्पाइसेस होते हैं वो उस तरह एक मुझे लगता है कि वो टेस्ट नहीं आती जो आप ना ये वाले स्पाइसेस में आती है। तो खैर मैंने जो ये फ्रेश कीमा जो लिया मटन लेकर, इसमें जो है ना फिर मैंने अनियन जो अच्छी तरह इसका ना पानी निकाल कर चॉप करके और इसमें जो है ना ऐड कर दिया था। तो उसके बाद जो है मैंने इसमें डाला था ग्रीन चिलीज़। अच्छा मैं क्या करती हूँ ग्रीन चिली को जो है ना फ्रीज़ कर देती हूँ। अब ये देखिए 2 वीक से मैंने रखे हुए हैं, तो अभी तक ये ग्रीन, और मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और इजी रहता है और बिल्कुल आप आराम से इजीली ये जो है ना यूज़ हो जाते हैं और फ्रेश रहते हैं, कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं आता। फिर मैंने इसमें धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और अच्छी तरह जो है ना इसको मिक्स कर लिया। तो फिर मैंने इसमें जो है ना चपली कबाब मसाला, लेकिन अब ये कि ये डिपेंड करता है, मेरा जो कीमे का वेट था वो आई थिंक सो 442 या 445 ग्राम्स था, तो उसके हिसाब से मैंने बस जो है ना आई थिंक सो 3 to 4 टेबल स्पून डाले होंगे। तो अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं ये सोच रही थी कि इतना मुझे ना ये सॉफ्ट क्यों नहीं लग रहा, याद आया कि अंडा भी डालना था। तो फिर मैंने जो है ना उसके बाद फिर मैंने एक अंडा जो है ना अच्छी तरह विस्क करके उसमें जो है ना ऐड कर दिया था और अच्छी तरह उसको मिक्स करके बैटर को बहुत अच्छे मिक्सचर को मिक्स करके और फिर उसको जो है ना मैंने रेफ्रिजरेट कर दिया था जस्ट फॉर लाइक 30 मिनट टू 1 आवर ना, उतनी देर में मैंने कहा कि मैं बाकी खाना जो है वो रेडी कर लूँगी। तो ये मैं जो दाल बनाती हूँ ये इसको कहते हैं मूंग की और मसूर की दाल को मिक्स करती हूँ बराबर बराबर, मतलब हाफ किलो, अगर 1 किलो तो 1 किलो। तो ये देखिए मैं अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर रही हूँ। तो बस इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया, उसके बाद जो है मैंने इसको
चढ़ा दिया। अब इस तरह था कि मेरी मदर इन लॉ से मैंने सीखा था, स्पेशली इस दाल के लिए वो क्या करती थी, वो इसमें पानी के बाद ना ये जो झाग सी आती है ना, वो कहती थी ये मतलब अच्छी नहीं होती है, तो वो इसको निकालते थे हम लोग। तो वो उन्होंने मुझे सिखाया था इसको पहले निकालना है, फिर स्पाइसेस या जो भी ऐड ऑन करना है तो कर लें। तो खैर फिर मैंने उसके बाद वो निकाल कर फिर मैंने टोमेटोज़, इसमें सॉल्ट, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और ऑल्सो वो जो क्रश रेड चिली, तो वो डालकर अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने इसको प्रेशर दे दिया। वैसे तो ये दाल जल्दी पक जाती है, इसको मैं कभी प्रेशर नहीं देती हूँ, लेकिन आज जल्दी थी तो मैंने फिर जो है ना इसको जल्दी जल्दी फिर प्रेशर दिया। तो ये मैं टमाटर के छिलके निकाल रही हूँ क्योंकि ये गलते नहीं हैं, तो फिर ये अच्छा होता है, इसको अलग फिर मैं कर लेती हूँ। उसके बाद तड़का लगाया, तो फिर मैंने ये दाल में जो है ना इसको भगार या आप कह सकते तड़का जो है ये लगाया था, मैंने चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ग्रीन चिली और ज़ीरा जो है ना ऑयल में उसको करके तो वो डाला था, और साथ में जो ये है ना ये गरम मसाला स्प्रिंकल किया था। इससे जो है ना दाल में बहुत अच्छा टेस्ट, फ्लेवर्स इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं गरम मसाला से। तो उसके बाद फिर मैंने रेडी करे थे ये जो है चपली कबाब, बहुत ज़बरदस्त, इतने जूसी, इतने टेंडर थे चपली कबाब के मतलब, और दाल चावल के साथ तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे बहुत। आप लाजिम इसको ट्राई कीजिएगा इनको। आप चाहें तो चपली कबाब को जो है डीप फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्राई में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं इसको ना शैलो फ्राई करती हूँ, तो इस क्योंकि इसके अपना भी काफ़ी ऑयल जो होता है वो मतलब फ्राई के टाइम जो है ना निकलता है, तो इस वजह से वो काफ़ी फिर हो जाता है। तो फिर उसके बाद इसको मैंने फिर दाल चावल के साथ सर्व किया इसको, तो देखिए बहुत ज़बरदस्त कलर आया था, बहुत मतलब इसको 5-5 मिनट एक जगह एक फ्राई करना है, फिर दूसरी दफ़ा करना है, फिर उसको थोड़ा टाइम देना है, और मीडियम फ्लेम में इसको जो है ना बनाना है, हाई फ्लेम में नहीं, क्योंकि फिर जल्दी से कलर जो इनका ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चे रहेंगे, इस वजह से इसको बहुत मीडियम फ्लेम में ना आराम से इसको बनाना है, ताकि जो है ये अच्छे से इसका फ्लेवर और अच्छे से गल जाए और जूसी हो जाए। ये था आज का हमारा डिनर, सिंपल तो नहीं कह सकते क्योंकि साथ में ज़बरदस्त चपली कबाब भी थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था, तो आप भी लाजम ट्राई कीजिएगा। तो होप आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप भी ज़रूर जो है अपना कमेंट दीजिएगा, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।